आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुमन और आप देख रहे हैं स्मार्ट वुमन हैक्स। आज हम बना रहे हैं क्यूकम्बर ड्रिंक या खीरे का जूस कह लीजिए। खीरे के बहुत बेनिफिट है, जैसे वजन कम करने के काम आता है, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर वालों के लिए ये बेहद फायदेमंद है। रमजान में ये लाजवाब ड्रिंक है, ये पानी की कमी को दूर करता है, इसे पीने से ठंडक मिलती है और तवानाई आती है। ये बहुत ही लो कॉस्ट ड्रिंक है, तो ये हर तरीके से फायदेमंद है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने ये 3 खीरे ले लिए हैं जिन्हें मैं छिलका उतारूंगी इसका और इन्हें कट करूंगी। देखिए, सबसे पहले मैं ऐसे कट करूंगी। ओल्ड सेइंग के ऐसा करने से खीरे का सारी कड़वाहट निकल जाती है, तो चलिए कर लेते हैं ऐसा। ये मैंने खीरे का छिलका उतार लिया है, अब मैं इसको कट करती हूँ और मैं इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेती हूँ। इस तरह मैं इनको छोटे छोटे पीसेस में कर लेती हूँ। देखिए, सब मैंने स्मॉल पीसेस में काट लिया है इसे, अब मैं इन सब पीसेस को ग्राइंड करती हूँ। देखिए, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है और ये अच्छे से ग्राइंड हो गया है। अब मैं इसको छानूंगी। इसको जो मैंने ग्राइंड किया है, मैं इसको अच्छे से छान लूंगी। इस तरह मैं डालती जाऊंगी, इस तरह मैं डालती जाऊंगी और इसको छानती जाऊंगी। बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है ये और बहुत ही फायदेमंद जूस है। और आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। देखिए, हमारे जूस का कितना प्यारा कलर आया है। देखिए, मैंने एक बाउल लिया है, मैंने इसमें थोड़ा पानी ऐड किया है। अब इसके बाद ये 2 चम्मच में चीनी है, मैं इसमें घोलूंगी। आप चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना आप मीठा चाहें, क्योंकि इसे हम ठंडा ड्रिंक बनाएंगे तो ठंडे में तो चीनी घुलेगी नहीं, इसलिए हम पहले से सादे पानी में तैयार करेंगे। चीनी घोलते घोलते ही इसमें देखिए हम ये नींबू का रस है वो ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा ड्रिंक है खट्टा मीठा, तो नींबू और चीनी दोनों इसमें जाएगी। फिर इसके बाद है 1/2 चम्मच काला नमक, वो मैं इसमें ऐड करूंगी। देखिए, मैंने वॉश कर ली है, ये मिंट लीफ है, मिंट लीफ तो मैं इसी में ही डालूंगी। पुदीने की खुशबू इसमें बहुत अच्छी लगेगी। देखिए, ये घोल तैयार हो गया है और अब मैं इस घोल को इसमें डालूंगी खीरे के जूस में। हमारा जूस रेडी है। देखिए, आइस डालूंगी मैं। ये रिफ्रेशिंग जूस तैयार है, जो बहुत ही अच्छा बना है। रमजान के लिए ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आप देखिए, जूस तैयार है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। और बिल्कुल लो कॉस्ट में बना है ये जूस। आप भी इसे ट्राई ज़रूर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।